वेलकम स्टूडेंट क्लास 9 को फिजिक्स। आज हम दो चैप्टर्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, एक हमारा मोशन और सेकंड फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। मोशन क्या है हमारा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर समय के साथ या सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशंस को चेंज करता है तो क्या कहलाता है, मोशन में कहलाता है। ठीक है, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट अगर समय के साथ अपनी पोजिशन चेंज करता है या सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजिशन चेंज करता है तो हम क्या कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट कितने हैं, मोशन में। अब मोशन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट समय के साथ एक सेम टाइम सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सेम टाइम में अगर ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो क्या होगा, हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा। और अगर ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता तो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। दूसरी तरफ जो हमारा सेकंड चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें फोर्स क्या है आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप फोर्स कर रहे हैं या कोई कर रहे हैं, मीन किसी ऑब्जेक्ट को आप धक्का दे रहे हैं या अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो क्या होगा आपका, फोर्स होगा। अब जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि फोर्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं, फोर्स के टाइप्स तो दो तरीके के होते हैं। फोर्स जो हमारा होता है वो दो टाइप का होता है, एक विलेंस फोर्स और दूसरा अनविलेंस फोर्स। विलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस, यानी कि उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, चारों डायरेक्शन से जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, उन सबका रिजल्टेंट एड अगर जीरो आता है तो क्या होगा, हमारा विलेंस फोर्स होगा। और अगर उन सबका रिजल्टेंट एड जीरो नहीं आता तो क्या होंगे, अनविलेंस फोर्स होंगे। हमने फोर्स के करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे कि फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, उसकी शेप और साइज में चेंजिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें। अब इसी का कुछ हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आज। पहले एमसीक्यू हमारा, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा अगर उसका मास एम है और वेलोसिटी वी है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास एम है और उसकी वेलोसिटी वी है तो उसका मोमेंटम क्या होगा। आप पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम इक्वल क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट के मास का अगर हम उसकी वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकलाता है, हमारा मोमेंटम निकलाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, हमारा जो ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा, कौन सा होगा, ये वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रिक्शन एज, फ्रिक्शन आप पढ़ चुके हैं। फ्रिक्शन क्या होता है, एक वो अपोजिट फोर्स जो मूवमेंट का अपोज करता है, यानी कि आप जब आगे की तरफ चल रहे होते हैं, यानी कि आगे की तरफ चलने के लिए जब आप फोर्स लगाते हैं तो आप पर एक इक्वल फोर्स ही पीछे की तरफ लगता है, आपको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो आपकी मूवमेंट के अपोजिट में, अपोजिशन में जो फोर्स लगता है क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन कैसा होता है पूछ रहा है, फ्रिक्शन कैसा होता है आपका, यूजफुल होता है हमारे लिए कि हार्मफुल होता है हमारे लिए, या दोनों चीजें होती हैं। फ्रिक्शन यूजफुल भी होता है, हार्मफुल भी होता है। यूजफुल कैसे होता है कि फ्रिक्शन की वजह से आप ये भी चल सकते हो, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप चलने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यानी कि आप घिसने का गिरने का डर बना रहता है, और इसकी वजह से मशीनें वगैरह घिस जाती हैं, चप्पल जूते ये सारी चीजें घिस जाती हैं, तो ये कैसे हो गया, हार्मफुल हो गया हमारे लिए। तो इसके लिए जो ऑप्शन करेक्ट होगा क्या होगा, हमारा बोथ यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल, यानी कि जो फ्रिक्शन होता है वो हमारे लिए यूजफुल भी होगा और हार्मफुल भी होगा, दोनों चीजें होती हैं। नेक्स्ट आता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू यू टू फाइनल वेलोसिटी वी, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी यू थी, वो इनिशियल वेलोसिटी यू से चेंज होकर के, यानी कि ऑब्जेक्ट ने कुछ स्पीड पकड़ ली या उसकी स्पीड स्लो हो गई तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू से चेंज होकर के फाइनल वेलोसिटी वी हो गई। क्लियर, यानी कि उसकी पहली इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू थी, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी वी में क्या हो गई, चेंज हो गई, कन्वर्ट हो गई, कितने टाइम में, वी टाइम। तो आपको पूछा है कि इस बॉडी का ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी मींस चेंज कैसे निकालेंगे आप, फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी का माइनस करेंगे तो वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा, मींस एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है क्या आएगा, वी माइनस यू अपॉन टी, हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ये वाला है, इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ मेजरिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आप किससे मेजर करते हैं, कौन सी यूनिट से मेजर करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारा P
पी इक्वल टू एम इंटू वी। एम की यूनिट क्या होती है हमारी किलोग्राम और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है मोमेंटम की जो यूनिट बनेगी क्या बनेगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है। इनर्शिया क्या होता है इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की एक वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो उसकी स्टेट में होने वाली चेंजिंग का अपोज करती है। मीन्स ऑब्जेक्ट की जो भी स्टेट है वो उस स्टेट में जो भी चेंजिंग होने वाली होगी उसका क्या करेगी अपोज करेगी। अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पोजिशन में तो वो मूवमेंट का अपोज करेगा मोशन का अपोज करेगा और अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट का अपोज करेगा। मीन्स उसकी पोजिशन जो भी है उसकी स्टेट जो भी है वो उसकी स्टेट में होने वाली चेंजिंग का अपोज करती है उसे हम क्या कहते हैं एनर्जिया कहते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का एनर्जिया उसके मास पर डिपेंड करता है यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एनर्जिया जितना ज़्यादा होगा आपको उसका मास जितना ज़्यादा होगा आपको उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए यानी कि उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए उतना ज़्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर उसका ऑब्जेक्ट का मास कम होगा अगर ऑब्जेक्ट हल्का होगा तो आप उसकी पोजीशन को उसकी स्टेट को अगर वो रेस्ट में है तो इजीली आप उसे मोशन में ला सकते हैं और अगर मोशन में है तो इजीली आप उसे रोक सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो आपको उसे रोकने के लिए या उसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा उस पर उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो एनर्जिया होता है वो किस पर डिपेंड करता है उसके मास पर डिपेंड करता है। इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा ये वाला मास करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसी भी कॉलिजन के दौरान यानी कि कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो चेंज नहीं होता आपस में कन्वर्ट नहीं होता बराबर रहता है इक्वल रहता है। मतलब जो दो ऑब्जेक्ट में अगर दो ऑब्जेक्ट का टकराने से पहले का जो मोमेंटम है वो उनका मोमेंटम टकराने के बाद भी उतना ही रहता है। जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में होता है कि एनर्जी को आप ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो इसे हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो रॉकेट होता है हमारा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या करता है वर्क करता है।